वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में रेसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। तो हेलो गाइज, मैं हूँ हर्ष और आप देख रहे हैं रेसल व्यू इंडिया। तो गाइज, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये था रेसलमेनिया से पहले का आखिरी शो, यानी कि गो होम एडिशन। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई मंडे नाइट रॉ पे यार, और काफ़ी प्रोग्रेशन हमको कई सारे फ्यूड्स में देखने को मिला। तो पूरी जानकारी के लिए गाइज वीडियो ज़रूर देखिए। तो गाइज, आज का मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हैं गाइज, और वो बताते हैं कैसे उन्होंने इतना हार्डवर्क किया इस मुकाम पर आने के लिए। वो बताते हैं कैसे उन्होंने 20 इयर्स में कितने क्या क्या उनको झेलना पड़ा, और कैसे लास्ट ईयर उन्होंने रॉयल रंबल जीता, फिर ब्रॉक लेसनर को हराया। और गाइज, वो ये भी कहते हैं कि जब इतने आगे इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो वो पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, और सिर्फ 5 दिन बाद रेसलमेनिया है और ड्रू मैकइंटायर बॉबी लैशली को हराएंगे और बन जाएंगे फिर से WWE चैंपियन, बट इस बार रियल फैंस के सामने। तो गाइज, इतने में होता क्या है, बॉबी लैशली आते हैं MVP के साथ। वो कहते हैं, भाई तुझे जो मैंने लास्ट वीक किया तुझे समझ में नहीं आया, और इस जो तेरा होप और ड्रीम है रेसलमेनिया में जीतने का, वो मैं क्रश कर दूंगा और मैं स्टिल रहूँगा WWE चैंपियन रेसलमेनिया में। तो गाइज, इसके बाद होता क्या है, किंग कॉर्बिन आ जाते हैं। वो बताते हैं कि इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज रात के बाद ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया में जा ही नहीं पाएंगे। तो कुछ उस तरीके से WWE ने आज इस शो की शुरुआत की थी, कह सकते हैं उन्होंने हाइप बना दिया था ड्रू मैकइंटायर और किंग कॉर्बिन के मैच, जो कि था शो का मेन इवेंट। तो गाइज, आज शो पर जो सबसे पहला मैच हुआ वो था ज़ेवियर वुड वर्सेस AJ स्टाइल्स का। आपको पता ही है, इन दोनों टैग टीम का मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। काफ़ी शॉर्ट मैच चला, हालांकि थोड़ा शॉकिंग रिजल्ट था, क्योंकि इस मैच में ज़ेवियर वुड जीत गए थे कॉफी किंगस्टन के डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो गाइज, पर्सनली मेरा कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि WWE ने कितना अच्छी खराब बुकिंग कर रही है इस मैच में, और वो फील ही नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मैच होने जा रहा है इन दोनों टैग टीम का रेसलमेनिया में। तो गाइज, अगला सेगमेंट होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन का, वो रिंग में आते हैं। स्टील केज भी गाइज रिंग में होता है। वो कहते हैं, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन बोलते हैं कि शेन मैकमैन ने उनको बहुत भगाया है, और उन सब का बदला लेंगे जिनको शेन मैकमैन ने इतना रुलाया है, और वो बताते हैं कैसे रेसलमेनिया में शेन मैकमैन को भागने की जगह नहीं मिलेगा। तो गाइज, इसके तुरंत बाद हमको एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है, जहाँ थे जैक्सन राइकर एलायस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब क्लियर प्रिडिक्टेबल काफ़ी ये मैच था। इस मैच में पावर स्लैम लगाकर डबल पिन कर देते हैं जैक्सन राइकर और लायस को ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो गाइस, अगला इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमको देखने को मिलता है बैक स्टेज, जहाँ पर जो बैड बनी होता है उनका जो कार रहता है बुगाटी, उस पर मिज जो है कुछ पेंट लगा देते हैं, और WWE बताती है कि उनका जो बुगाटी है मिज और जॉन मॉरिसन ने तोड़ दिया है। बट हालांकि कुछ होता नहीं है, नॉर्मल सा पेंट लगा देते हैं। इतने में जब बैड बनी पीछे से आते हैं, देखते हैं तो मिज उनको अटैक कर देते हैं और वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं। तो गाइस, अगला जो मैच आता है वो था वुमेंस डिवीजन से, जहाँ पर हमको जैसे कि पहले पता था आस्क एंड रिया रिपली फेस करने वाली थी नाया जैक्स एंड शेना बेजलर, और ये था रिया रिपली का डेब्यू मैच मंडे नाइट रॉ में। पता नहीं क्या चुल मच जाती है रिया रिपली और आस्का को इस मैच में, फ़ायदा उठा लेती हैं शेना बेजलर और नाया जैक्स। शेना बेजलर लगाती है अपना नी आस्का को और इस तरीके से पिन कर देती हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा वुमेंस डिवीजन कितना ख़राब चल रहा है इस वक्त, अब देखते हैं क्या बिल्ड करती है, क्या इस मैच का रिजल्ट निकलता है। मैच जो गाइज आता है वो था एक नॉन टाइटल मैच अगेंस्ट बॉबी लैशली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, जैसा WWE ने एडवर्टाइज किया था। अब आपको पता ही है कि हर्ट बिजनेस तो ऑलरेडी टूट चुकी है, तो इसको और तोड़ने के लिए WWE ने मैच करवाया। तो काफ़ी थोड़ा अपर हैंड जरूर मिलता है इस मैच में सेड्रिक अलेक्जेंडर को, बट जैसा कि आपको पता ही है बॉबी लैशली तो बिल्कुल हार नहीं सकते, क्योंकि उनको फेस करना है ड्रू मैकइंटायर को। तो इस मैच में हर्ट लॉक की वजह से बॉबी लैशली जीत जाते हैं, बट क्योंकि शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर के कॉर्नर में होते हैं तो थोड़ी सोचते हैं मदद करने को, बट बॉबी लैशली उनको भी नहीं छोड़ते, हर्ट लॉक की लगाकर उनको भी डोमिनेट करते थे। मैच भी एक नॉन टाइटल मैच था, जो कि था रिडल वर्सेस अली के बीच में। तो गाइज, जैसा कि आपको शीमस कॉमेंट्री टेबल बैठे होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो चुका है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये भी एक काफ़ी शॉर्ट मैच चला, हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद WWE इस मैच में अली को इंसर्ट इसलिए करी ताकि ट्रिपल थ्रेड मैच बना सके, बट ऐसा होता कुछ नहीं। गाइज ब्रो ड्रेक लगाते हैं रिडल और पिन कर देते हैं अली को। उसके बाद गाइज हमको इन दोनों के बीच थोड़ा कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है शीमस और रिडल के बीच, हालांकि कुछ फिजिकल रियलिटी थी नहीं। बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जो कि था शो का आज के शो का मेन इवेंट, जहां पर ड्रू मैकइंटायर फेस करने वाले थे किंग कॉर्बिन का। तो जैसा कि आपको पता हो गया था, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सच में जो किंग कॉर्बिन बोल रहे हैं कि क्या मैकइंटायर रेसलमेनिया में ना जाए, उनको इंजर्ड करेंगे, बस गाइज ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा ये थोड़ा मैच चल गया मेन इवेंट के हिसाब से। बट गाइज एंड में होता क्या है,
कोशिश करते हैं बैरन कॉर्बिन इंजर्ड करने को ड्रू मैकेंटायर को, बट जैसे ही ड्रू मैकेंटायर क्लेम हो रही की कोशिश करते हैं वो डीप सिक्स लगा देते हैं। उसके बाद मैकेंटायर उठ के फिशर शॉक डीडी देते हैं, बट उसका भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो गाइस इतने में होता है एमवीपी जो होते हैं बाहर रिंग साइड होते हैं वो एक स्टिक थमा देते हैं किंग कॉर्बिन को, और जैसे वो किंग कॉर्बिन उससे अटैक करने जाते हैं उनको पड़ती है एक ज़बरदस्त क्लेम और मोर पड़ गई। तो किंग कॉर्बिन करेंगे क्या 1 2 3 और इस मैच में ड्रू मैकेंटायर जीत जाते हैं। तो गाइस जो हमको सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला था बॉबी लेसली और ड्रू मैकेंटायर का वो स्टिल है ऑन, और अब देखते हैं क्या होता है सैटरडे नाइट को जहां पर बॉबी लेसली डिफेंड करेंगे अपना WWE चैंपियनशिप। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें।